बहुचर्चित हाथरस कांड में जबलपुर की मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर राजकुमारी बंसल का नाम सामने आने के बाद डॉक्टर राजकुमारी बंसल का विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद कई संगठनों के द्वारा उन्हें नकली, भाभी, नक्सली आदि कई नामों से संबोधित किया जाने लगा, जिसके बाद आज इसकी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आजाक को सौंपी गई। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई कि वे हाथरस में उस परिवार को संतावना देने के लिए गई हुई थी, जिसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। वहीं ज्ञापन लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आजाक सुरेखा परमान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर राजकुमारी बंसल थाने में उपस्थित हुई अपने सहयोगियों के साथ में और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि हाथरस यूपी में जो एक दुखद घटना हुई थी, उस दुखद घटना में एक मानवीयता के आधार पर इन्होंने पीड़िता से जाकर मुलाकात की और पीड़िता के साथ में थी और उनके दुख को बांटने की कोशिश की थी। इस बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ ऐसे संस्थानों ने जो कि इस चीज़ के लिए अधिकृत हैं और उनका दुष्प्रचार किया, उनको नेक्सलाइट कहा कहकर और नकली भाभी बनकर जाने वाली बात भी उन्होंने इस शिकायत में ज्ञापन में दर्ज की है। तो राजकुमारी जी को मैंने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे शिकायत को, ज्ञापन को देखने के बाद जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी, जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे विधि अनुसार।